5 मई से बिहार से एक चलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन और इस ट्रेन का संचालन वाया समस्तीपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर के रास्ते किया जाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन के टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल रेल प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मकालीन स्पेशल छुट्टियों को लेकर के अतिरिक्त पैसेंजरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की कवायद तेज हो गई है अभी से ही। यह ट्रेन 01043 के साथ लोकमान्य तिलक से और दूसरी दिशा में यह ट्रेन समस्तीपुर से 01044 के साथ चलाई जाएगी। दोनों ही दिशाओं में यह ट्रेन 6-6 ट्रिप लगाएगी। आइए बात करते हैं ट्रेन के टाइमिंग डिटेल्स के बारे में। 5 मई से बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के लिए लोकमान्य तिलक से यह ट्रेन 01044 के साथ चलेगी। दोनों ही दिशाओं में इस दिन इस ट्रेन का शुभारंभ हो जाएगा, जिसके अनुसार यह ट्रेन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से रात 11:20 पर खुलेगी और यहां से खुलने के बाद अगले दिन 7:55 पर शाम में इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से प्रस्थान करते हुए तीसरे दिन 7:40 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंच जाएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरी दिशा में लोकमान्य तिलक से 01043 के साथ यह ट्रेन 12:15 पर खुलेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन तीसरे दिन 9:15 पर रात में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधा की अगर बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको 6 AC 3rd टायर, 6 स्लीपर कोच, 8 सामान्य श्रेणी के कोच और 1 SLR के कोच उपलब्ध रहेंगे। रास्ते में यह ट्रेन भुसावल, खंडवा, इगतपुरी, कल्याण, नासिक रोड, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिबकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसके अलावा बिहार के बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर जैसे तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज रहेगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए।